देखो ध्यान दो बच्चों, ये क्वेश्चन अपने पास है। देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, क्या होगा देखो, ये 17 क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ इधर आके, है ना, और देखो ये हो गया 1 + r² + 2r और 1 + r², ये देखो 45 क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, तो 1 + r⁴। ठीक है, देखो ये 17 यहाँ आया, देखो ये 1 + r² + 2r, ये हो जाएगा r² r² 2r³ बराबर 45 + 45 r⁴, है ना, ऐसे हुआ। देखो ध्यान दो, ये हो गया क्या 17 r⁴ और प्लस r³, तो ये हो गया 34 r³। ये देखो 2r², है ना, और 17, तो 34 r² प्लस देखो ये हो गया 34 r और प्लस का 17 बराबर 45 + 45 r⁴। ऐसे देखो ये आ गया, ठीक है, 17 r⁴, 34 r³, ये r² r² 2r², तो 34 r² 2r 34 r प्लस का 17 बराबर 30। ठीक है, देखो ध्यान दो, अब क्या करेंगे, सबको एक तरफ ले करके माइनस करेंगे, तो देखो ये 45 और ये 17, है ना, क्या बचेगा बोलो, है ना, ये 45 है r⁴ और देखो ये 17, है ना, कितना बचेगा सोचो, बताओ भाई, ठीक है ना, 28 r⁴ बचेगा, ये जाके इसमें से माइनस होगा, है ना। अच्छा इसके बाद देखो ये हो गया माइनस का 34 r³ माइनस का 34 r² माइनस का 34 r और ये प्लस का 28 = 0। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, ध्यान दो, थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, देखो इस पूरे को, अब देखो ये जो एक क्वेश्चन है इसको सॉल्व कैसे किया जाए, ये काफी अच्छा क्वेश्चन बन गया। देखो एक काम करेंगे, पूरे को r² से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय r², है ना, काफी अच्छा क्वेश्चन देखो यहाँ पर ये बन गया, मतलब ये r⁴ की इक्वेशन को सॉल्व करने का एक तरीका होता है। देखो पहला और लास्ट वाला टर्म सेम है, ये सेम है, ये ऐसा है, तो ये इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करने का देखो एक मेथड होता है, ध्यान दो, r² से डिवाइड करेंगे तो देखो ये होगा, है ना, 28 और यहां पर देखो बचेगा r² + 1/r², है ना, r² डिवाइड करोगे ये r² बचेगा और यहां पर r² आ जाएगा, 28 कॉमन ले लिया। अब देखो यहां पर भी जब आप इन दोनों में r² डिवाइड करोगे तो माइनस का 34 बाहर आएगा, r² डिवाइड करोगे तो देखो ये बचेगा r + 1/r, है ना, इन दोनों में माइनस 34 कॉमन ले लिया और जब r² से डिवाइड करोगे तो ये बचेगा r और ये 1/r, यहां पर जब r² डिवाइड करोगे तो माइनस का 34 = 0 आ गया, ध्यान दो, है ना, तो r² से डिवाइड किया, फर्स्ट लास्ट को एक साथ ले लिया, सेकंड और सेकंड लास्ट को एक साथ लिया और ये माइनस 34। अब देखो क्या हुआ, एक काम करते हैं, r + 1/r को y मान लें, ठीक है, तो क्या होगा, स्क्वायर कर दो, 1/r² + 2 = y², तो r² 1/r² = y² - 2, है ना, r + 1/r को हमने y मान लिया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, देखो ये आ गया, देखो ये आ गया 28 और देखो इसकी वैल्यू ये रखोगे क्या बोलो, y² - 2 और माइनस का 34, इसकी देखो वैल्यू y हो गई और माइनस का 34 = 0। ठीक है, अब देखो एक काम करते हैं कि डिवाइड कर देते हैं 14 से, 2 से डिवाइड कर दें तो बचेगा देखो 14 y² - 2 17 y
माइनस 17 बराबर 0 ना, 2 से कर दिया डिवाइड। अब देखो यहाँ पर ये आ गया क्या 14y स्क्वायर माइनस का 28 माइनस का 17y माइनस 17 बराबर 0। देखो ये 14y स्क्वायर माइनस का 17y है और माइनस का 45 बराबर 0। देखो यहां से ये आ गया। अब इससे हमें y चाहिए है ना, इससे हमें y की वैल्यू निकालनी है, बताओ है ना। इससे हमें देखो y की वैल्यू निकालनी, देखो क्या होगा। अब ये यहाँ पर 17 है तो इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। देखो ये क्या है 14 इंटू 45, 2 इंटू 7 9 इंटू 5 है, तो क्या होगा देखो इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। अब क्या फैक्टर किए जाएंगे थोड़ा हमें सोचना पड़ेगा यहाँ पर है ना, बोलो है ना, क्या फैक्टर किए जाए ये हमको थोड़ा यहाँ पर सोचना पड़ेगा। ठीक है, ये है 14 और ये है 45। ठीक है, देखो ध्यान दो यहाँ पर क्या होगा, 18 और 35 देखो ये फैक्टर बनेंगे इसके है ना, तो ये हो जाएगा है ना 18 और 35, तो माइनस का 35y और प्लस का 18y माइनस 45 बराबर 0। ठीक है, अब देखो एक काम करें, इसमें से 7y कॉमन ले लें तो 2y माइनस 5 और इन दोनों में से 9 कॉमन ले लें तो 2y माइनस 5 बराबर 0। अब देखो ये हो गया 2y माइनस 5 ए ब्रैकेट में और 7y प्लस 9 बराबर 0। देखो y की वैल्यू आ गई है 5/2 और y की वैल्यू आ गई है माइनस 9/7। देखो ये यहाँ से y की दो वैल्यूज आ गई है ना, तो y आ गया तो r भी आ जाएगा है ना, और r आ गया तो देखो a भी आ जाएगा है ना, सारी चीजें आसानी से निकल जाएंगी अगर y की वैल्यू आ गई तो। y की वैल्यू रख करके r निकालेंगे, r से a निकालेंगे और अपने क्वेश्चन का आंसर हमको मिल जाएगा। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे। तो मेन यहाँ पर जो r की पावर 4 वाली क्वेश्चन आई है, इसको सॉल्व करने का मेथड जो आपने सीखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड आपने यहाँ पर सीखा है ना। ये r की पावर 4 में अगर कोई क्वेश्चन हो तो हमेशा इस मेथड के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन इसमें एक खास बात ये थी, देखो तो इनके कोफिशियंट सेम थे, इनके कोफिशियंट सेम थे, ये कुछ भी हो सकता है ना, फर्स्ट लास्ट के कोफिशियंट सेम थे, सेकेंड और सेकेंड लास्ट के कोफिशियंट सेम थे, इसलिए ये मेथड यहाँ पर लग पाया, नहीं तो फिर नहीं लग पाता। इसको लिखो जरा बच्चों ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है।